आज है शुक्रवार, जिंदगी की भागदौड़ में एक दिन और जोड़ते हैं। देखते हैं आज का दिन क्या नया लेके आता है और कहां तक लेके जाता है। सीखते रहिए और बने रहिए मेरे साथ। नहीं गया तो यार, वो कहते हैं ना कि हर किसी की जिंदगी में एक विलन होना चाहिए ताकि जिंदा रहने का एहसास हो, और फिर भगवान की आस्था भी होनी चाहिए मन में ताकि आपको आपकी लिमिट्स पता। खैर, कर दिया था अपना फ्लैट लॉक और चल दिया था बाहर। बाहर निकलते निकलते मैं सोच रहा था कि आज का दिन कैसा जाएगा कैसा जाएगा। खैर, इतना पता होता तो मैं शायद भगवान होता। सुबह मौसम अच्छा था, चाय पीने आया था, वहाँ आज की राशि देखी। राशि में लिखा हुआ था आमदनी में बढ़ोतरी होगी, विवाह चोरी दुर्घटना से आने संभव है, झंझटों से दूर रहें। सीधी बात है, मेरे लिए ही लिखी हुई है। जो भी हो, मैंने पी डाली एक चाय। चाय की घूंट के साथ ही जो आंखें खुलती है ना भाई, है ना, एनर्जी तो मिलती है। खैर, मैं पहुंच गया था कॉलेज, जहां मैं कुछ तो देख रहा था कि आपको भी वही दिखा जो मैं देख रहा था। जो भी हो, कॉलेज पहुंचते सबसे पहला काम है अटेंडेंस लगाना, और आज की अटेंडेंस मैंने रिकॉर्ड की पूरे 8:50 पे। और फिर पहुंच गया था हमारे डिपार्टमेंट की तरफ, और काफ़ी जल्दी ही आ गया था मैं डिपार्टमेंट में। एक रेगुलर सा काम करना होता है जो आपको पता है ऑलमोस्ट सेम ही साइकिल है भाई। डेली नया कंटेंट शूट करने की कोशिश तो करता हूँ मैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि कितना ही क्रिएटिव बन जाओ, एक ही एक चीज़ अलग अलग एंगल से कितनी बार दिखाओगे। खैर, आज की कहानी में दूसरा विलन है ये नहीं है भाई, ये हमारे राजा बाबू हैं। कहानी में नए किरदार जरूर हैं, लेकिन आपने इनको पहले भी देखा है, नहीं है ना, नहीं देखा है, क्योंकि ये अभी आए हैं भाई। इस बार के विलन का नाम ओएस डिपार्टमेंट है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे कंप्लीशन यही रुके हुए हैं ओएस डिपार्टमेंट में। जो भी हो, मैं तो देखो शुभचिंतक हूँ, मेरा तो ये है कि इसमें मेरी पोस्टिंग है, मैं जाते जाते मेरे सारे क्लासमेट से मिल रहा हूँ। ये हैं हमारे महेश भैया, जी हाँ, आउटर कैंटीन पे। और यहाँ आज गन्नों के साथ मैंने दो गन्ने चूसने वाले भी देखे। जो भी हो, एक सुबह की दूसरी चाय के साथ बिस्किट की सर्विंग, और आहा क्या मजा। इतने में दिखे अनिक चक्रवर्ती जी। जी हाँ, ये लॉग बुक है, इसका काम मैंने आपको पहले भी समझाया है। आज कहानी में गरिमा जी और राजा कुछ नए किरदार हैं, और ये गौरव सर थे जो पहले चले गए। खैर, बाकी बैचमेट्स को आप जानते हो जो रेगुलर से पोस्टिंग मेरी तरह निभा रहे हैं। जो भी हो, इस बार की विलन का नाम ओएस डिपार्टमेंट है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे ही कंप्लीशन यही रुके हैं। अब मैं इन सब बातों से डेली शूट करके हो गया था बोर, सोच रहा था क्या करूं। इतने में मेरे हाथ से कैमरा छूट गया था। खैर, मैं आ गया था चंदू की कैंटीन पे, जहाँ पहले कोई नहीं था। मैंने चोरी करने की सोची भाई, लेकिन फिर क्या है कि मेरे को घर वालों के संस्कार याद आए, और मैंने चोरी करना छोड़ के भाई साहब के 2-4 पोज निकाले, क्योंकि इतने में आ गए थे। ये है मयूक रंजन जी। जी हाँ, कंप्लीशन का डर भाई सबको बुला लेता है। जो भी, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से भागदौड़ चल रही थी, तो आज मैं थका हुआ था, मुझे लगी नींद की प्यास। जी हाँ, आप जानोगे नींद की प्यास क्या है। बीच में ये दो और नमूने आपको दिखाई दे रहे हैं, वैसे नमूने 3 हैं, लेकिन एक बड़े भैया हैं तो उनकी इज्जत करेंगे। वैसे दोनों ही बड़े भैया हैं, ये कसाटा है, ये अमित शर्मा की वजह से खाने पड़ी मेरे रुपए लगे हैं भाई। ये हिमांशु जी हैं, काफी लंबे अरसे बाद आपको व्लॉग में दिखाई दिए हैं। ये आजकल पूछने आते हैं कि अमित कहाँ है, फलान कहाँ है, दिक्कड़ कहाँ है। आपका दिन कैसा रहा बताइए, और मेरा तो भाई ऐसे चल रहा है। लिखा सुना सब करते हैं, हम दिखाते हैं, रिश्ते निभाने में है।